अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनिल शफी है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपसे कुछ मौजूदात के बारे में गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ, मैंने MBBS बॉल मेडिकल कॉलेज से किया 2011 में, और उसके बाद मैंने साइकाइट्री में ट्रेनिंग ज्वाइन की और FCPS जिना हॉस्पिटल से ट्रेनिंग करके FCPS कम्प्लीट किया। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा वो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हमारे सोसाइटी में प्रीवेलेंट हैं साइकाइट्री के बारे में, जिस सब्जेक्ट का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। साइकाइट्री के बारे में आमतौर पर ये समझा जाता है कि साइकाइट्रिस्ट सिर्फ उन लोगों का इलाज करते हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह बिगड़ चुका होता है और जिनको हम सोसाइटी जो है वो आम अल्फाज में पागल कहती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप एक साइकाइट्रिस्ट की देखें, उसकी वर्किंग को देखें, तो 70-80% जो साइकाइट्री के पेशेंट्स हैं वो होते हैं जिनको कॉमन प्रॉब्लम जैसे एनजाइटी के प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स, OCD के प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये बताने का मकसद ये है कि एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एक स्टिग्मा का शिकार हों। ये एक जब आप महसूस करें कि आपकी ज़हनी सेहत पे कुछ चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं और आप पूरी तरह से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी ज़हनी तौर पर सेहत से मुतमिन नहीं हैं, तो आपको उस वक़्त साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। एक बुनियादी सवाल जो कि अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि साइकाइट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वो होते क्यों हैं, आखिर उनकी वजूहात क्या होती हैं। साइकाइट्री के प्रॉब्लम्स की बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसमें एक बहुत मजबूत जो वजह है वो मौरूसी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो ख़ानदानों में चलती हैं। इसके अलावा जो हमारी ज़िंदगी में बैरूनी परेशानियाँ आती हैं और जो हमारी ज़िंदगी पर मुख्तलिफ़ तरीके से असरअंदाज होती हैं, चाहे वो हमारे ताल्लुकात के अंदर हो, हमारे मौशी हालात की वजह से परेशानियाँ आएँ या किसी और वजह से, वो हमारी ज़हनी सेहत पर असरअंदाज होती हैं और इन बीमारियों की बायस बन सकती हैं। एक ख़ास इशू पर, एक ख़ास मौजू पर बात करना चाहूँगा जो कि जिसमें मुझे खसूसी दिलचस्पी रही है, वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, जिसको हम आम अल्फाज में वहम का मर्ज कह सकते हैं। ये हमारे मुल्क में बहुत आम एक ज़हनी बीमारी है जिसके अंदर दो तरह के अलामात होती हैं। एक, इस बीमारी में ऐसी सोचें आती हैं जिनको इंसान या बहुत फजूल समझता है या बहुत बुरा समझता है, और उन सोचों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो कोशिश के बावजूद भी नहीं निकाल पाता। ये सोचें शदीद बेचैनी, घबराहट, बेयकीनी और शक की कैफियत पैदा कर देती हैं। ये कैफियत इंतहाई बुरी होती है। इस कैफियत से बाहर निकलने के लिए इंसान कुछ काम बार बार करता है, और वो जब काम बार बार करता है उसकी वजह से वक्ती तौर पर इस परेशानी में कुछ कमी आती है, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा ये सोचें मज़ीद शिद्दत के साथ आ जाती है। आम तौर पर इस तरह की फजूल सोचें जो हैं वो आ सकती हैं, मिसाल के तौर पर पाकी पीदी के ख्यालात आ सकते हैं, मज़हब के बारे में बुरी सोचें आ सकती हैं, बुरे जिंसी ख्याल आ सकते हैं, इस तरह के ख्यालात आ सकते हैं कि मैं किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। ये सारे ख्यालात इंसान को आते हैं और इनके जवाब में इंसान जो काम बार बार करता है वो इस तरह के, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार ताले कुंडियाँ चेक करना, इस तरह के काम बार बार करना। एक और अहम मौजू जो कि बहुत ज़्यादा हम पेशेंट्स देखते हैं वो एनजाइटी डिसऑर्डर्स के हैं। एनजाइटी डिसऑर्डर से मुराद ये है कि बेचैनी और घबराहट का मर्ज इंसान को लाहक हो जाता है। इसमें ये होता है कि इंसान को जब ये मर्ज लाहक होते हैं तो उसको मुख्तलिफ तरह की जिस्मानी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा जिस्मानी अलामात आती हैं उनमें सर का दर्द होना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, मुंह खुश्क होना, इसके अलावा ठंडे पसीने आना और सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, जिस्म से ऐसे लगना जैसे बुखार हो गया इंसान को, इस तरह महसूस करना अंदर से, ये सारी जिस्मानी अलामात आ सकती हैं।
और जो सोचें आती हैं वो इस तरह की, जैसे कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये जो खौफ के ख्याल आते हैं ये इनमें आते हैं। बेचैनी और घबराहट इंतहाई कॉमन मसला है हमारे मुल्क में, और इसमें मुख्तलिफ तरह के बीमारियाँ इसके अंदर शामिल हैं। इसमें कुछ ऐसी बीमारी, मसलन एक इसमें डिसऑर्डर जो बहुत कॉमन है उसमें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान हर वक्त परेशान रहता है, रोज़मर्रा के छोटे छोटे मसाइल भी उसके लिए पहाड़ जितने मुश्किल बन जाते हैं और वो उनसे उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहें ऑनलाइन, तो marham.pk से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है बुक करा सकते हैं।